दोस्तों IQ अपना न्यू स्मार्टफोन IQ G9 Turbo 5G को चाइनीज मार्केट में लॉन्च कर दिया है और ये फ़ोन इंडियन मार्केट में भी लॉन्च होने वाला है। इस फ़ोन के इंडिया लॉन्च डेट को लेकर कुछ नया अपडेट आया है। इस वीडियो में इस फ़ोन के कन्फर्म डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे कि ये फ़ोन इंडियन मार्केट में कब लॉन्च होगा और ये फ़ोन जब इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा तो कितने प्राइस पर लॉन्च होगा ये भी बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पूरे डिटेल्स में IQ G9 Turbo के बारे में। सबसे पहले इस फ़ोन के लुक का बात करें तो ये फ़ोन बैक साइड से कुछ इस तरीके का होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। फ़ोन बैक साइड से दिखने में अच्छा होगा। इस फ़ोन के बैक साइड पे पॉलीकार्बोनेट का बैक रहेगा और इसमें दो कैमरा का सेटअप रहेगा और एक LED फ्लैश मिलेगा। दोनों कैमरा दो अलग अलग सर्कुलर कटआउट में रहेगा। फ़ोन का फ्रेम पॉलीकार्बोनेट का ही होगा और फ़ोन इन हैंड फील में भी बढ़िया होगा। जब आप फ़ोन को हाथ में लेंगे तो आपको अच्छा फील देगा। वहीं फ़ोन फ्रंट साइड से फ्लैट डिस्प्ले के साथ आएगा जो कि सेंटर पंचोल वाला होगा, जहाँ साइड का बेजल्स और चीन बहुत कम रहेगा। फोन फ्रंट साइड से भी दिखने में बहुत अच्छा होगा। कुल मिलाकर के देखिएगा तो फोन लुक में बेस्ट होगा। वहीं इस फोन के वेट और थिकनेस का बात करें तो इस फोन का थिकनेस 7.98 mm रहेगा और इसका वेट 195 ग्राम्स होगा। वहीं इस फोन के डिस्प्ले का बात करें तो इसमें 6.7 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला एक OLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि सेंटर पंचोल वाला फ्लैट डिस्प्ले होगा। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी रहेगा। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी रहेगा। इसमें पीक ब्राइटनेस 4500 निट्स तक का रहने वाला है। इसमें 3840 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी रहेगा। फ़ोन डिस्प्ले में बेस्ट होगा। जब आप फ़ोन को चलाएंगे तो फ़ोन चलाने में आपको एकदम स्मूथ लगेगा, फ़ोन मक्खन के जैसा चलेगा। कोई भी आपको ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे या ब्राउजिंग करेंगे या स्क्रोलिंग करेंगे ये सब में बेस्ट रहेगा। डिस्प्ले का टच सेंसिटिविटी भी बहुत बढ़िया रहेगा और वीडियो व्यू एक्सपीरियंस में तो खैर बेस्ट होगा। जब आप इसमें कोई भी हाई रेजोल्यूशन का सॉन्ग प्ले करेंगे या कोई हाई रेजोल्यूशन का मूवी देखेंगे या कोई HDR कंटेंट प्ले करेंगे तो आपको व्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। ये फ़ोन डिस्प्ले में टॉप क्लास का होगा और आपको सेटिस्फाइड भी करने वाला है। वहीं इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करें तो ये फ़ोन स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 प्रोसेसर के साथ आएगा जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना है, तो बैटरी इफिशियंट भी है और इसका Antutu स्कोर 15 लाख से भी ज़्यादा आता है। तो इससे देखिए क्लियर है कि फ़ोन परफॉर्मेंस में बेस्ट होगा। इस फ़ोन में कोई भी गेम को आप कितना भी हाई सेटिंग पर प्ले करेंगे तो भी गेमिंग आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और एक गेमिंग करने वाले यूजर के लिए ये फ़ोन बेस्ट होगा। अपने सेगमेंट में ये फ़ोन बहुत अच्छा गेमिंग करा के आपको देने वाला है और एक नॉर्मल यूजर के लिए ये फ़ोन और ज़्यादा बढ़िया होगा। वहीं इस फ़ोन के स्टोरेज और रैम टाइप का बात करें तो ये फ़ोन LPDDR5X रैम और UFS 4.0 स्टोरेज टाइप के साथ आएगा। फ़ोन स्टोरेज और रैम टाइप में अभी लेटेस्ट और फास्ट होगा। जब आप इस फ़ोन में कोई भी ऐप को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे या एक ऐप से दूसरे ऐप पर स्विच करेंगे या कोई ब्रेव फाइल को एक जगह से दूसरे जगह मूव करेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से होगा। स्टोरेज और रैम टाइप में भी फ़ोन टॉप क्लास का होगा। वहीं इस फ़ोन के कैमरा का बात करें तो ये फ़ोन रियर साइड से डुअल कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जहां की मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होगा, जहां की OIS भी रहेगा और इसमें सोनी का लाइटिया 600 वाला सेंसर मिलेगा। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा रहेगा और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रहेगा। और जब आप इस फ़ोन के कैमरा से कोई फोटो क्लिक करेंगे या वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे कोई भी कंडीशन में तो ये अच्छा क्वालिटी निकाल के देगा। डायनेमिक रेंज में भी बढ़िया होगा, डिटेलिंग को भी अच्छे से मेंटेन रखेगा, लो लाइट में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। कुल मिलाकर के देखिएगा तो फ़ोन कैमरा में भी बेस्ट होगा और आपको सेटिस्फाइड भी करने वाला है। वहीं इस फ़ोन के बैटरी का बात करें तो ये फ़ोन 6000 mAh के बैटरी के साथ आएगा, जहां 80 वाट के फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी मिलेगा तो फ़ोन बैटरी में बेस्ट होगा। आज के टाइम में जितना फास्ट चार्ज का सपोर्ट का नीड होता है उससे ज़्यादा ही इसमें रहेगा और बैटरी भी ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि जनरली 5000 mAh का ही बैटरी मिलता है लेकिन इसमें 6000 mAh का बैटरी मिलने वाला है। और ये फ़ोन डुअल स्टीरियो स्पीकर डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के भी साथ आएगा तो फ़ोन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में भी टॉप क्लास का होगा। और इस फ़ोन में IP64 का रेटिंग भी रहेगा और ये फ़ोन ब्लूटूथ 5.4 के कनेक्टिविटी के साथ आएगा। इसमें NFC का भी कनेक्टिविटी मिलेगा और ये फ़ोन X एक्सेस लीनियर मोटर के सपोर्ट के भी साथ आएगा तो फ़ोन हैप्टिक फीडबैक में भी बढ़िया होगा। और जब आप इस फ़ोन में गेमिंग करेंगे तो गेमिंग के टाइम में ये फ़ोन 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करने वाला है। दोस्तों यही सब पूरा डिटेल्स था ये IQ G9 Turbo 5G से रिलेटेड जो कि इस वीडियो में आपको बताए हैं। ये सब डिटेल्स है, देखिए साफ क्लियर है कि फ़ोन सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा, खास करके परफॉर्मेंस में तो खैर एकदम बेस्ट होगा। अब चलिए बात करते हैं कि ये फ़ोन जब इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा तो ये फ़ोन कितने प्राइस पर लॉन्च हो सकता है। तो देखिए इस फ़ोन का जो बेस वेरियंट होगा उसका प्राइस इंडियन मार्केट में 30,000 के आसपास रहने वाला है और कार्ड डिस्काउंट के बाद ये फ़ोन आपको 27,000 के आसपास मिलने वाला है। और सच में
में ये फ़ोन अगर 27,000 में आपको मिलता है तो ये फ़ोन आपके लिए तगड़ा होने वाला है। अब चलिए बात करते हैं कि ये फ़ोन इंडियन मार्केट में कब लॉन्च हो सकता है। तो देखिए, ये फ़ोन इंडियन मार्केट में मई के मंथ में तो लॉन्च नहीं होगा, ये क्लियर हो गया है। और लीक्स में बताया जा रहा है कि ये फ़ोन इंडियन मार्केट में जून के मंथ में लॉन्च होने वाला है। अब जून के मंथ में किस डेट पर लॉन्च होगा ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जून के मंथ में ही लॉन्च होने वाला है। और देखिए, मई के मंथ में अगर लॉन्च होना होता तो अब तक टीजर और पोस्टर आ चुका होता, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया है। तो इससे भी क्लियर हो रहा है कि ये फ़ोन मई के मंथ में तो लॉन्च पक्का नहीं होगा। जब भी लॉन्च होगा तो ये फ़ोन जून के मंथ में ही लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, इस फ़ोन को लेके आप अगर सीरियस हैं तो आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा। वैसे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट आया था IQ G9 Turbo 5G से रिलेटेड, वो सारा डिटेल्स आपको बता दिए। वैसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।